हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मखंडी हलवा बाकी सूजी के हलवे से एकदम अलग होता है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसको बनाने का तरीका भी एकदम अलग होता है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप सूजी लेंगे। आप यहाँ पर बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं और जितना सूजी लेंगे उतना ही दूध लेंगे। और दूध को मैंने उबाल लिया था और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। सूजी में हम दूध को मिला देंगे और इसे अब ढक के रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी एकदम दूध को पी जाएगी और एकदम अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई है। तो इस तरह से ये मखंडी हलवा में बहुत ही रसीला टेक्स्चर आता है और ये हलवा कम घी में भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 4 चम्मच घी डाल रही हूँ और अब हम सूजी के बैटर को इसमें डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। और जैसे ही आप इसमें सूजी डालेंगे ये तुरंत ही घी को एकदम सोक कर लेगी और एकदम डो की तरह ये हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, इसे लगातार चलाएंगे तो ये, और मीडियम फ्लेम पे इसे भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सूजी एकदम खिल गई है और इसे 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और इसकी कलर भी चेंज हो गई है और एकदम अच्छे से ये भून गई है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसी पैन में मैं फिर से 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भूनूंगी। भून के ड्राई फ्रूट डालते हैं तो बहुत ही अच्छा क्रंच आता है हलवे में। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और काजू किशमिश पिस्ता लिया है, तो इसे निकाल लेंगे। और अब जो बाकी का घी है सारा हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ मैं 1/2 कप यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। और जैसे हम इसे घी में डालेंगे तो तुरंत ये गुठलियाँ पड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर में ही ये पिघल जाएगी और फिर कैरेमलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चीनी एकदम पिघल चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो 3 से 4 चम्मच है, उसे भी हम दूध के साथ डाल देंगे। और जैसे आप दूध डालेंगे तो एकदम बबल्स आएंगे और छींटे भी पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और फ्लेम को लो कर दीजिएगा जिससे कि इसमें बबल्स कम आएंगे। और यहाँ पे जो कैरमलाइज है वो पिघल रहा है, तो इसे लगातार चलाएंगे तो एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भुनी हुई सूजी है उसे हम डालेंगे। इसमें अभी हल्की फुल्की गुठलियाँ दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे एकदम अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे हम लगातार चलाएंगे और यहाँ पे देखिए घी को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब क्या करेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हम इसे भुनाई करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया है और आप देख सकते हैं कितनी रसीली बनी है। तो फ्लेम को बंद करेंगे यहाँ पे। और ये सूजी का हलवा आप चाहे जितनी देर भी रखें ये ऐसे ही एकदम रसीली बनी रहती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। और नवरात्रि आ रही है तो आप चाहे तो इस नवरात्रि में ये हलवा थोड़े से अलग तरीके से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है प्लेट में और आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है। उम्मीद करते हुए फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।